नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट का चैप्टर नंबर 3। ये जो स्किल इंडिया का मूवमेंट है उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर वैसे तो फिनिश किए हैं, हमने सिर्फ 3.1 का सीरीज पे फिनिश किया है। हमने ASME की भी बहुत सारे सीरीज फिनिश किए हैं, हमने NDT का भी जिसमें PT MT RT के भी बहुत सारे सीरीज फिनिश किया है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट का हम लोग ये सीरीज जो कर रहे हैं उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 यूट्यूब में अवेलेबल है, हमने डाल दिया है। अभी जो आज का नंबर है वो चैप्टर नंबर 3 का। ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो लेट इसके लिए हुआ क्योंकि ये इक्विपमेंट के रिलेटेड है। आपको पहले तो इक्विपमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। चैप्टर का नाम ही ऐसा है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट कंट्रोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विपमेंट के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है डेप्थ में, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के बहुत सारे चैप्टर है। टोटल मैंने यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट बनाया है वो 13 चैप्टरों का है। कितना है? टोटल 13 चैप्टरों का, ठीक है? 13 चैप्टरों का ये जो सीरीज है इसमें आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल दामेलिया, आज आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ वेल्डिंग एंड NDT सर्विस सूरत लोकेशन में, गुजरात में, ठीक है? ये जो प्रोग्राम है स्किल इंडिया का प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट रूम फैसिलिटी। तो रूम फैसिलिटी में क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट बर्तन है, गैस सिलेंडर है, गद्दा, तकिया, पानी बिल, गैस बिल, सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए और थ्योरिटिकल ट्रेनिंग लीजिए और NDT लेवल 2 बन के यहाँ पे जॉब भी ले सकते हैं। यहाँ पे जॉब भी अवेलेबल है, फ्रेशर लोगों का हम लोग जॉब भी प्लेसमेंट करवाते हैं, ठीक है? अभी तक तो हमने बहुत सारे सीरीज फिनिश कर दिया है, बहुत सारे बैचेस भी फिनिश किए हैं। उसमें हमने पूरा का पूरा फ्रेशर लोगों को 100% जॉब दिलवाया है। कितना परसेंट? 100%, ठीक है? तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है। जिन लोगों को NDT लेवल 2 करना है या तो सर्टिफिकेशन लेना है, जो ट्रेनिंग हो चुका है और सर्टिफिकेशन एग्जाम वगैरह हो चुका है तो उसका सर्टिफिकेट लेना है, तो दीपेश पटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को टेक्निकल कोई डाउट है तो उसको मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे पर्सनल नंबर है। जिन लोगों को NDT लेवल 2 के सर्टिफिकेट को 5 साल के बाद या 3 साल के बाद जो रिन्यूअल करवाना रहता है तो वो भी आप दीपेश पटेल से रिन्यूअल करवा सकते हैं, ठीक है? लिंक्डइन आईडी भी यहाँ पे हमारा है, वहां पे भी आप हमको डे टू डे वाइज फॉलो कर सकते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे हम एक रिवोल्यूशन लेके आए, व्हाट्सएप का रिवोल्यूशन, ठीक है? व्हाट्सएप का रिवोल्यूशन पहले के जमाने में क्या था, हम लोग व्हाट्सएप ऐसे ही यूज करते थे। अभी हम लोग व्हाट्सएप में नॉलेज रिलेटेड पूरा का पूरा PDF से लेके इंफॉर्मेशन से लेके सब चीज इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो होता है वो पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, ठीक है? ओके, ये जो चैप्टर है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करना है तो हमें ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट का मशीन है। क्या है ये मशीन? है ये जो है यहाँ पे स्टार्ट बटन, ऑन ऑफ, ये सब चीज बटन है। वो बटन के बारे में ऑलरेडी मैंने एक मेनू सेटिंग करके एक चैप्टर किया है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको डेप्थ में समझाया है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको सजेशन देगा कि ये चैप्टर करे, ठीक है? ओके, यहाँ पे ये CRT स्क्रीन है, यहाँ पे तो ये दिख रहा है लेकिन मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं तो ये CRT स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये CRT स्क्रीन है, यहाँ पे दिख रहा है ये स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है उसको मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक केबल कनेक्शन दिया है, उसको इसमें ज्वाइंट किया है और कुछ नहीं है। इसमें जो दिखता है वो इसमें दिखता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है तो पीछे वाले लोगों को नहीं दिखेगा, इसके लिए ये सेटअप किया है, ठीक है? नया कोई रॉकेट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये CRT स्क्रीन है। CRT स्क्रीन जो है नीचे है डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस, वो रेंज रहता है, डिस्टेंस, अदरवाइज आप टाइम भी बोल सकते हैं, वर्सेस एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस वर्सेस एम्पलीट्यूड का ये CRT स्क्रीन है, ठीक है? इसको ए स्कैन डिस्प्ले बोलते हैं। कैसा? ए स्कैन डिस्प्ले, ठीक है? ये ए स्कैन डिस्प्ले है, इसमें ये जनरल हमारा बेसिक UT का मशीन जो है वो काम करता है। तो ये CRT स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे सर्किट आते हैं, ठीक है? तो सर्किट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दू तो यहाँ पे मोडसोनिक का ये मैं मशीन दिखा रहा हूँ, DGS का, ये DGS का मोडसोनिक का मशीन है। इसमें बहुत सारे मेनू है, मेनू 1 में आप देख सकते हैं जीरो, रेंज, वेलोसिटी, डिस्प्ले, डिले और गेन, ये सब चीज रहता है। तो यहाँ पे सभी मेनू का मैंने टोटल, इसमें कितना मेनू है? 11
मेनू है, कितने मेनू है? 11। 11 क्या 11 मेनू के बारे में मेनू सेटिंग का एक चैप्टर किया है, वो आपको करना पड़ेगा, तब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पे भी आप देख सकते हैं जीरो, जीरो मतलब स्वीप लेंथ है, ये क्या है? स्वीप लेंथ। लेकिन हम लोग मोडसोनिक के मशीन जो है उसमें उसको जीरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही है, रेंज है, वेलोसिटी है, डिले है, गेन है। अभी देखो मैं यहां पे मेनू चेंज करता हूं, देखो ये मेनू चेंज किया, मेनू चेंज किया तो गेट आया, स्टार्ट, एंड, लेवल और गेन, ये सब चीज है। उसके बाद मेनू थ्री है, उसमें भी गेट है, स्टार्ट है, एंड है, लेवल है और गेन है। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी नंबर है, एक्शन है, नॉट है और गेन है। इसके बाद का मेनू है रिजेक्शन है, पावर है, डैम्पिंग है, मोड है और गेन है। इसके बाद मैं यहां पे दबा रहा हूं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो इसमें देख सकते हैं, जो लोग नजदीक बैठे हैं वो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डीएससी है, स्टार्ट है, पॉइंट है, प्रेस है और गेन है। इसके बाद जो है वो मेजरमेंट है, एक्स ऑफ एंगल, थिकनेस, गेन, ये सब चीज ऐसे ही मेनू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिया है। देखो यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। ये जो सीआरटी स्क्रीन है, ये मशीन है, मशीन में ये जो दिख रहा है वो सीआरटी स्क्रीन है। क्या है? सीआरटी स्क्रीन। ये मशीन ऐसे ही नहीं बनता है, इसके अंदर सर्किट आती है। उसमें कौन कौन सा सर्किट? मार्कर सर्किट आता है, टाइमर सर्किट आता है, पल्स सर्किट आता है, रिसीवर एंड एम्पलीट्यूड का एक सर्किट आता है, स्वीप सर्किट आता है, स्टार्ट करने का, ऑन करने का उसका सर्किट आता है, डिले का सर्किट आता है, बहुत सारे सर्किट अंदर सेटअप होते हैं। वो सर्किट के हिसाब से मशीन को समझाया जाए। जो लोग लेवल थ्री करना चाहते हैं उन लोगों को मशीन के बारे में भी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके आप लेवल थ्री बन सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत क्रिटिकलिटी है, मशीन सेटअप, मशीन का अरेंजमेंट, मशीन के अंदर का सर्किट, वो सब चीज समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पे एक है ट्रांसड्यूसर, तो यहां पे मैंने एक ट्रांसड्यूसर लगाया है, ये है मेरा प्रोब। हम लोग जनरली उसको क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रोब है ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड के हिसाब से, देखो ये अभी मैंने उठा लिया, कुछ है नहीं, इसमें नहीं है। अभी देखो मैं जैसे ही यहाँ पे लगाएगा तो यहाँ पे एक गेन आया, गेन है ना, ये अभी मैंने कैलिब्रेशन करके रखा है। तो ये कितना, कौन सा है? IIW V2 ब्लॉक है, लिखा भी है यहाँ पे, देखो IIW V2 ब्लॉक। ठीक है, ये IIW V2 ब्लॉक है, इसका थिकनेस 12.5 है। कितना है? 12.5। ये 12.5 का IIW V2 ब्लॉक है, उसमें पहला हमारा रेज है वो अंदर जाएगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन अंदर घुसेगा। पहले तो इसमें से कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो है इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्रिस्टल है, क्रिस्टल वो वाइब्रेट होगा, क्रिस्टल ऐसा जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 4 मेगाहर्ट्ज़, तो 4 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर टू में बात किया ना कि वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? वो जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अभी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा, फिर हम लोग कपलान डालेंगे, कपलान डालने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद रिटर्न मैकेनिकल एनर्जी आएगा, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी तो ये दिखा नहीं सकता है, फिर क्या होगा? इसके अंदर जाके मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्टेशन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके फिर हमको वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पिप्स के बाद पिप्स के हिसाब से यहाँ पे जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना एम्पलीट्यूड, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एम्पलीट्यूड के बारे में यहाँ पे दिखाएगा, ऐसा करके आता है। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है तो वहां पे भी वो टकरा के रिटर्न आएगा। अगर डिसकंटिन्यूटी से रिटर्न आया तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अभी थोड़ा ऊपर जाए शायद जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग चैप्टर का तूल पकड़ते हैं, चैप्टर को फास्ट चलाते हैं। देखो ये तो मैं ऐसा जनरल पर्पज के लिए डाला है कि ये मेनू जो है वो सेटिंग कैसा होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक पल्स इको इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा? अल्ट्रासोनिक पल्स इको इंस्ट्रूमेंट जनरेट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन। अभी क्या होगा, ये हाई वोल्टेज एक जनरेट करेगा, क्या हाई वोल्टेज जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करेगा। इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिकल पल्स इसके अंदर जाएगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में जाएगा, एकदम छोटे ड्यूरेशन में जाएंगे। ठीक है,
दोज पल्स आर अप्लाइड टू द ट्रांसड्यूसर. अभी ये पल जो है ये इसके अंदर ट्रांसड्यूसर है. इसके अंदर क्या है? ट्रांसड्यूसर है. ओके, ट्रांसड्यूसर क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर एक आएगा जो चैप्टर नंबर है मैं आपको बोल देता हूं. यहां पे लिखा होगा ट्रांसड्यूसर है. कौन सा गया? अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर चैप्टर नंबर 8. चैप्टर नंबर 8 आएगा तो उसमें मैं समझाएगा इसको अर्थिंग कैसे करना है, ये ट्रांसड्यूसर कैसे बनाते हैं, उसका डायमीटर कैसे सेट होता है, उसको कैसे अरेंजमेंट होता है, उसको बैकिंग कैसे लगाना है, वो वाइब्रेशन करेगा तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकता है, वो फ्रेगाइल हो सकता है मतलब टूट भी सकता है, नीचे गिरेगा तो ऐसा भी हो सकता है वो जल्दी से टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है. कुछ ट्रांसड्यूसर ऐसे होते हैं कि कुछ ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, कुछ ज्यादा टेम्परेचर में ही चलेंगे. कुछ ट्रांसड्यूसर ऐसे है कि कम टेम्परेचर में भी चलेंगे. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ ट्रांसड्यूसर ऐसे है कि इमर्शन टेस्टिंग में ही चलेंगे. तो ऐसे ट्रांसड्यूसर के बारे में चैप्टर नंबर 8 में आएगा तो हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे. लेकिन इतना समझ लो ये ट्रांसड्यूसर मतलब हमारा हमारा जो यूटी मशीन है उसका हार्ट है. क्या है? हार्ट. इसका यह हार्ट है. ठीक है, अभी क्या लिखा है? द पल्स आर अप्लाइड टू द ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट. वो क्या कन्वर्ट करेगा? इनटू द मैकेनिकल वाइब्रेशन दैट अप्लाई टू द मटेरियल बीइंग इंस्पेक्टेड. अभी ये कन्वर्ट होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, इलेक्ट्रिकल पल्स आया, इसके अंदर जाएगा, फिर वो ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल एनर्जी में वाइब्रेशन जनरेट करेगा और वो मैकेनिकल एनर्जी क्या जाएगा, ये मटेरियल के इनसाइड में जाएगा. जो भी है अभी तो IIW V1 V2 ब्लॉक मेरे पास है इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन ये अंदर जाएगा और वो मैकेनिकल एनर्जी से ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट सरफेस. देखो अभी क्या लोचा होगा, ये जो है ना ये ट्रांसड्यूसर, उसमें से वाइब्रेशन अल्ट्रासाउंड जनरेट होगा. वो भी कैसा होगा? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला. 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला तो जो हम आंखों से देख सकते हैं और सुन सकते हैं ना, वो ऑडिबल हो गया है ना. लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो वो वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर जनरेट करेगा. और यहाँ पे क्लियर लिखा है अ लार्ज परसेंटेज ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट सरफेस. अभी क्या होगा, ये अल्ट्रासाउंड है ना वो यहाँ से ही बहुत सारे रिटर्न आ जाएंगे. क्योंकि राजीव गांधी बोलते थे ना कि भाई मैं यहाँ पे 1 रुपया ट्रांसफर करता हूँ गरीब लोगों के लिए, तो वहां पे गरीब जो है वहां पे कितना पहुंचता है? अप्रोक्सीमेटली चलो 10 पैसा पहुंचता है, ऐसा वो बोलते होंगे है ना, तो 10 पैसा ही पहुंचता. तो ऐसा इसमें ही है, यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारा जाता है. लेकिन ये जो फ्रंट सरफेस है, ये जो सरफेस है ये दोनों के बीच वाला ये जो सरफेस, वहां से बहुत सारे एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंदर कोई घुस ही नहीं पाएगा, कुछ ही लोग घुस पाएंगे. समझ में आया? तो वो जो है पहला इको बना दिखाएगा उसको फ्रंट सरफेस इको बोलेंगे. कौन सा बोलेंगे? फ्रंट सरफेस इको. अभी देखो इसमें भी फ्रंट सरफेस इको होगा. देखो ये जो है ना ये पहला वाला, तो मैं यहाँ पे मशीन में दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन. ये जो है ना ये फ्रंट सरफेस इको है. अभी देखो इसको उठा लेता हूँ, है ना, आ रहा है ना, समझ में आया? अभी देखो इसको लगाता हूं तो ऐसा, तो ये जो है फ्रंट सरफेस इको है. तो फ्रंट सरफेस इको मतलब क्या कि यहां से पहले से ही वो रिटर्न आ जाएगा बहुत सारा. वो बड़ा होगा, देखो वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है. देखा आपने ये बहुत बड़ा है. क्यों भाई बहुत बड़ा है? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिटर्न आ रहा है. 10 ही पैसा भाई पहुंच रहा है गरीब का पास. समझ में आया? 10 पैसा ही पहुंच रहा है. 90 पैसा कौन खा जा रहा है? करप्शन वाले लोग खा जा रहे हैं ना. तो यहाँ पे भी ऐसा करप्शन चलता है. ठीक है, तो एनर्जी लॉस बोल रहा हूँ, अंदर नहीं जा रहा है इसके लिए. यहाँ पे यही बात है, बहुत सारे लोगों को माइंड में ये होता है ये पहला इको काम का नहीं है, वो किसका इको है? तो वो फ्रंट सरफेस इको है. किसका इको है? वो जो घुस नहीं पाया, मेटल के अंदर नहीं घुस पाया, उसका इको है. द लार्ज परसेंटेज ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड इन फ्रॉम द फ्रंट सरफेस ऑफ द टेस्ट पार्ट एंड बैक सरफेस एंड ट्रांसड्यूसर. अभी देखो अभी क्या होगा, दूसरे जो है दूसरे इको वो कहां से रिटर्न आएंगे? तो कि भाई वो अंदर तक जाएगा. इसकी बैक सरफेस कौन हो गया? ये बैक सरफेस हो गया. समझ में आया? अगर इसके बीच में समझो ये कितने एमएम का है, 12.5, अगर 10 एमएम से ही रिटर्न आया तो वो कहां से आया होगा? हम लोगों को ऐसा समझना है कि वहां पे वो डिफेक्ट है, ऐसा समझ सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा हम समझ सकते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है, या तो बैक सरफेस, या तो डिसकंटिन्यूटी के वहां से रिटर्न आएगा, या तो कहां से आएगा? बैक सरफेस से रिटर्न आएगा. समझ में आया? तो ये लोग यही बोल रहा है कि
पहला हम लोग जैसे ही अल्ट्रासाउंड मटेरियल के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो पहले तो फ्रंट सरफेस एक को दिखाएगा, ठीक है, दूसरा एक को कहां दिखाएगा कि भाई डिसकंटिन्यूटी है वहां पे या तो बैक सरफेस वाला, ठीक है, ये फिक्स है, ये फंडा फिक्स है, ठीक है। The remainder is reflected by the back surface or discontinuity. या तो back surface से return आएगा या तो discontinuity से return आएगा। तो यहाँ पे यही दिखाया है, देखो यहाँ पे क्या दिखाया है कि पहला ये जो है इसको अगर मैं CRT screen यहाँ पे draw करूँ तो क्या होगा, पहले ये front surface इको रहेगा, ठीक है, और दूसरा ये discontinuity का इको रहेगा, तीसरा ये back surface इको रहेगा। तो ये जो इको है वो ये है, ये इको है वो ये है, ये इको है वो यहां से ही रिटर्न आ रहा है। समझ में आया? Yes, बात समझ में आया? Yes, एकदम सिंपल है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, अभी देखो द साउंड रिफ्लेक्शन बैक टू द ट्रांसड्यूसर इज कन्वर्टेड बैक टू द इलेक्ट्रिक पल्स। ये तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में समझाया कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें पल्स में दिखाएगा, कन्वर्ट टू द बैक टू द इलेक्ट्रिक पल्स विच आर एम्पलीफाइड। उसको अगर बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं गेन ऑप्शन से। कहां पे है गेन ऑप्शन? अभी मैं ये बोलू, एक रुपए से गरीब आदमी के पास 10 पैसा पहुंचता है, मगर मैं 1 करोड़ रुपया डाल दू तो ज्यादा पहुंचेगा ना, तो यही फंड है यहाँ पे, नहीं कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which is amplified and display in cathode ray tube। इसको क्या बोलते हैं? cathode ray tube, CRT screen बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है ना आपको इतना, ये CRT screen है, ठीक है। This can display indicate the depth and amplitude of the sound reflection। अभी क्या है? ये S can display है, display है। कैसा display है? S can display है, ठीक है। S can display हमको depth दिखाएगा, हमको डेप्थ दिखाएगा और एम्पलीट्यूड दिखाएगा, डेप्थ दिखाएगा और एम्पलीट्यूड दिखाएगा, ठीक है। टाइम भी बोल सकते हैं, डेप्थ की जगह अगर टाइम बोलना है तो बोल सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी, तो एम्पलीट्यूड इज रिलेटिवली मेजर। अभी एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करेंगे? मैं आपको ये बोलूं कि यहां से मैं एक लेसर का एक बीम मारूं तो लेसर के बीम में एक बीच में लड़का आ जाए तो वहां पे लेसर बीम वो रह जाएगा ना, और कुछ जो इसके साइड से जा रहा वही बाहर निकल सकता है ना, तो वैसा ही यहाँ पे होने वाला है। अभी क्या होगा? एम्पलीट्यूड रिलेटिवली मेजर द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन एनर्जी, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी से कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि समझो ये मेरा एक मटेरियल है, इसके अंदर मैंने ये ट्रांसड्यूसर लगाया है, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, कपलांट लगा रहा हूँ। कपलांट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, वो भी एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 6 में, कपलांट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देगा कि कपलांट क्या है। वर्टिकल में जनरली ज्यादातर हम लोग पानी को कपलांट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है अभी इंडस्ट्रियल लाइफ में। लेकिन कुछ ऐसा होता है वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें पानी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे युटी करना है तो पानी नहीं, यहाँ पे पानी यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा, तो वहां पे वो कपलांट काम का नहीं है, उसके लिए हमको हार्ड कपलांट यूज करना पड़ेगा, ग्रीस वाला यूज करना पड़ेगा, ओवरहेड में भी हमें ग्रीस वाला यूज करना पड़ेगा, ये सब चीज है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई एक डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, इतना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अभी ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको अभी हम लोग यहां से रेज निकल रहे हैं, यहां पे तो लाखों रेज निकलेंगे, है ना, एक ही रेज पीछे गया। अभी ये सीआरटी स्क्रीन के अंदर कैसा दिखाएगा पता है? फॉर एग्जाम्पल ये सीआरटी स्क्रीन के अंदर ये तो पहले फ्रंट सरफेस ही को ये तो दिखाने ही वाला है, इसमें तो कोई रॉकेट है ही नहीं, ठीक है, ये फिक्स होता है। अभी यहां पे डिसकंटिन्यूटी क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी से ज्यादा रेज रिटर्न आ रहे हैं तो क्या होगा, वो मस्त दिखाएगा। उसके बाद ये इसमें बैक सरफेस देखो फर्क देखने को मिला, क्या देखने को मिला, तो ये जो है फ्रंट सरफेस इको है, ये है डिसकंटिन्यूटी का इको है, देखो डिसकंटिन्यूटी ये है, तो ये बहुत सारे रेज यहां से, इसके लिए उसका एम्पलीट्यूड कैसा है, ज्यादा है, ओके, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखो ये फ्रंट सरफेस इको तो बड़ा ही होगा, ठीक है, ये फंडा याद रखो, ओके। अभी यहां पे ये इको बड़ा क्यों आया, क्योंकि सबसे ज्यादा रेज रिटर्न आए हैं,
सबसे ज्यादा रेयर रिटर्न आए हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी सीआरटी स्क्रीन के ऊपर वहां पे इको के तौर पे मिलेगा। ज्यादा रे जाएंगे तो ज्यादा बड़ा इको होगा, कम रे जाएंगे तो कम इको होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही वेव्स आया है, देखा तो कैसा दिखा बैक सरफेस इको, एकदम छोटू सा। समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी और एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू बेसिक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सिस्टम। पहले तो यहाँ पे दो बेसिक अल्ट्रासोनिक सिस्टम होता है, ये फंडा याद रखो। पहला है पल्स इको, दूसरा है थ्रू ट्रांसमिशन। आज के मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है वो क्या है? पल्स इको। पल्स इको में क्या होगा कि भाई यहां से रेज घुसा और रेज घुसते 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 रिटर्न भी आया, वही ट्रांसमीटर होगा, वही रिसीवर होगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? वही ट्रांसमीटर। इसमें कितने केबल है? एक केबल है, एक ही क्रिस्टल है। वाइब्रेशन भी वो डालेगा और रिसीव भी वो करेगा, अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट भी करेगा, अल्ट्रासाउंड को रिसीव भी करेगा। वो एक ही बंदा, वन मैन आर्मी है। समझ में आया? लेकिन ट्रू ट्रांसमिशन में क्या होगा? ट्रू ट्रांसमिशन में ऐसा होगा कि भाई यहां पे भी एक घुसाना पड़ेगा, यहां पे भी एक घुसाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये थ्रू ट्रांसमिशन का इको है तो यहाँ पे जैसे ही मारते हैं ना, इसके सामने ऐसे रखना पड़ेगा। ये जैसे चलाते हैं ना, वैसे इसको भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांसमिट करेगा, एक रिसीव करेगा। समझ में आया? फिर से मैं समझाता हूँ। ये क्या है? ये ट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा? ट्रांसमिट ही करता रहेगा, उसको रिसीव करने का पता नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा? यहाँ पे एक दूसरा हमको घुसाना पड़ेगा और वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ही ट्रांसमिट करेगा, वही रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा मेरे भाई कि कोई डिसकंटिन्यूटी यहाँ से है, वो ऐसे फेंकते फेंकते यहाँ से रिटर्न आया तो वो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे दिखा देगा। समझ में आया? यहाँ पे ये दिखा देगा डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या हुआ? रेज रिटर्न आया इसके लिए दिखाया, रेज रिटर्न आया इसके लिए दिखाया। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। अब देखो, यहाँ पे फेंका, फेंकने के बाद ये रिसीव हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे नहीं रिसीव हुआ ना, यहाँ पे रिसीव हुआ नहीं, नहीं रिसीव हुआ इसके लिए दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया? समझ में आया? तो यहाँ पे ये एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे नहीं रिसीव होता है तभी हमको दिखाएगा। ओके, तो ये थ्रू ट्रांसमिशन में और पल्स इको में किसी को कोई डाउट है? पल्स ट्रांसमिशन और थ्रू ट्रांसमिशन है ना, लेकिन ये बहुत कचरा चीज है। ये कौन हर बार ऐसे ऐसे करता रहेगा, है ना? कभी कभी तो हम आरटी जो है, रेडियोग्राफी टेस्ट का एक लिमिटेशन है, दोनों साइड एक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? एक साइड फिल्म चिपकाना पड़ेगा, एक साइड हमको सोर्स रखना पड़ेगा। लेकिन वो सिस्टम को निकालने के लिए तो हम यूटी को मार्केट में लेके आए कि भाई यूटी है ना, एक ही साइड एक्सेस से काम बन जाए। लेकिन ये थ्रू ट्रांसमिशन में क्या होगा? दोनों साइड एक्सेस चाहिए। समझ में आया? तो ये गड़बड़ है, ये बहुत प्रॉब्लम है। तो आजकल मार्केट में इसका यूज नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसका करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये केबल है वो क्या है? ये केबल, तो इसको क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक केबल भी बहुत महंगा आता है। ठीक है, ये भी आपको, जो लोग यूटी के फील्ड में है वो बिगड़ जाता है तो हर बार उसके पास एक दो एक्स्ट्रा पेयर वाला केबल रहता ही है, क्योंकि बिगड़ गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तुरंत दूसरा घुसाए और आगे बढ़ो। ठीक है, ओके, अभी इसमें आई थिंक किसी को वो डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक को लेते हैं। पल्स इको इज द मोस्ट वाइडली यूज इन अल्ट्रासोनिक सिस्टम, ये तो हमने डिस्कस किया। ये पल्स इको वाला सिस्टम है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। शॉर्ट इवन टाइम पल्स ऑफ, अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे भी पल्स इको की बात कर रहे हैं तो ये तो टीआर प्रोब है, क्या है? टीआर प्रोब। तो इसमें एक ही रिसीवर, एक ही, वो तो यहाँ पे ही है ना, वो दोनों वाला सिस्टम नहीं, नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ पे है, तो ये अलग चीज है, इसको यहाँ पे इसके साथ कंपेयर नहीं करने का। साहब आप बोल रहे थे एक रिसीवर एक ट्रांसमिट, लेकिन है तो एक साथ में ना, वो दोनों वाला ऐसा सिस्टम का जरूरत नहीं है ना। ठीक है, शॉर्ट इवन टाइम पल्स अल्ट्रासोनिक वेव आर ट्रांसमिटेड इन द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। अभी शॉर्ट टाइम में क्या करेगा? अंदर जाएगा,
अल्ट्रासाउंड जाएगा और जाने के बाद जैसे ही रिटर्न होगा मशीन के अंदर हमको पता चल जाएगा, वो इको क्या करेगा, पिक मारेगा और हम लोग गेट सर्किट से क्या करेंगे, वो वहां पे गेट टच करवाएंगे। तो गेट सर्किट से जैसे ही टच करवाया हमको पूरा उसका कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा, भाई उसने कितना करप्शन किया है, इसने क्या क्या कांड किया है, पकड़ा जाएगा ना। ईडी जब पड़ेगा मार्केट में, ईडी या सीबीआई आएगा तो आप ऐसा सोचेंगे हम तीसमार खान है, हम नहीं पकड़े जाएंगे, तो भाई गलत बात है। आप कितने भी तीसमार खान हो, है ना, आप सबूत को जला भी दो, लेकिन ऐसा ऐसा आजकल मार्केट में सिस्टम है कि आप पकड़े जाएंगे। तो वही यहाँ पे सिस्टम हो रहा है, ठीक है। आजकल तो दिल्ली में आपको तो पता ही है ना क्या कांड हो रहा है कि नहीं है, कौन किसको किसके ऊपर ईडी गिरा, मनीष सिसोदिया के ऊपर, है ना। तो मैं इसी के बारे में कोई पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो है, जिसने पाप किया होगा वो डूबेगा, है ना। देश का नाम जो खराब करेगा उसको कोई नहीं छोड़ेगा, याद रखो, देश का नाम जिसने भी खराब किया उसको कोई नहीं छोड़ने वाला। ये सब लीग अभी तक छूट जा रहे थे ना लोग, इसी की वजह से हमारा देश पीछे रह गया था, वरना आज हम गल्फ से कितना आगे थे, बहुत साल हम आगे थे, 50 साल आगे थे, कितने साल आगे थे, 50 साल गल्फ से आगे थे, और आज हम 25 साल उससे पीछे रह गए, 75 साल का गैप बन गया है। आज हम वहां पे जॉब करने जा रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर अभी है 100 एज के है, कितने हैं 100 एज के, वो बोलते थे कि वो लोग है ना हमारे यहाँ पे, वो जो गुजरात के, हम लोग गुजरात के लोकेशन वाले हैं, तो वहां पे वो लोग बहुत सारे पशुधन एनिमल लेके आते थे, उसके वहां पे सूखा तो रहता ही है ऑल टाइम सूखा, तो यहाँ पे आते थे और काम करके जाते थे और उसका खुद का पशु को चला बना खाना वाना पाना वह सब चीज करके जाते थे। और आज कैसा सिचुएशन हो गया है, हम लोग वहां पे जॉब करने जा रहे हैं, समझ में आया कितना फर्क है, देख लो आप। पहले सोने की सीढ़ियां बोला जाता था इंडिया, लेकिन ये एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में, नॉलेज बांटना नहीं है ऐसा सोचने के चक्कर में, लुटाई करना है, लूट करना है, क्या बोलना है, लूट मार करना है, उसके चक्कर में हमारा आज इंडिया पीछे रह गया, समझ में आया। तो यही यहाँ पे होने वाला है कि शॉर्ट टाइम में, अभी चलो हम लोग अल्ट्रासोनिक में वापस रिटर्न आते हैं, वरना कॉन्ट्रोवर्सी का कोई केस डाल देगा हमारे ऊपर, ठीक है, मैं कोई पोलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, शॉर्ट इवन टाइम पल्स अल्ट्रासोनिक वेव आर ट्रांसमिटेड इन मटेरियल बीइंग टेस्टेड, छोटे ही टाइम में, बहुत छोटे टाइम में, सेकंडों के बहुत टाइम के अंदर वो ट्रांसमिट होगा, तुरंत रिटर्न आएगा। देखो खट से हमको पता चल रहा है, कितना टाइम लगा यहाँ पे, देखो देखो ये आया, ये ले लिया, कितना विथ इन, जैसे ही टच किया तुरंत ट्रांसमिट, तुरंत रिटर्न हम लोग पकड़ लिया। यहाँ भाई वो कहां से आ रहा है, 12.5 से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका थिकनेस कितना है, IWV2 ब्लॉक का 12.5 थिकनेस है, समझ में आया, इसके लिए वो रिटर्न आ रहा है। तो ये तुरंत बहुत कम टाइम में ये पता कर लेता है, द पल्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिस्कंटिन्यूटी फ्रॉम देयर पाथ एंड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ द स्ट्राइक। अभी यहाँ पे बाउंड्री है, कोई एक डिस्कंटिन्यूटी है, वहां से तुरंत रिटर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IIW V1 ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, IIW V1 ब्लॉक है। अभी देखो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे मैं कर देता हूं, मैं कैसे, देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे ये देखो ये कुछ उठ रहा है, देखा यहाँ पे गेन बढ़ाओ भाई, गेन बढ़ाते हैं, देखो ये कहां से आ रहा है, 14 mm से आ रहा है। मेजर टेप लाओ, मेजर टेप है, देखो ये कहां से आ रहा है, यहां पे है, देखो मेजर टेप यहां पे है, देखिए अभी देखो ये कहां से आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, तो कि गेट हम वहां पे लेके आए, ये अप्रोक्सीमेटली 15-14 mm से आया है, ठीक है ना। अभी देखो हम लोग यहां पे मेजर करते हैं, तो यहां पे ये डिस्कंटिन्यूटी है, यहां पे देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया, नया कोई रॉकेट नहीं है, ये कंप्लीट पकड़ लिया है। ये कैसे पकड़ा है, डिसकंटिन्यूटी जहां है वहां से वो ईको क्या करेगा, रिटर्न आएगा, और हमें कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, हमें क्या करना है, गेट को उसके पास लेके जाना है और वो सब चीज उसका कट्टा चिट्टा ईडी जो है ना, ईडी और सीबीआई ऐसा समझ लो आप, ठीक है, सब पता कर लेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, रिसीव रिफ्लेक्शन आर डिस्प्लेड इन कैथोड रे ट्यूब, जैसे ही रिसीव होगा एक कैथोड रे की ट्यूब के ऊपर ये डिस्प्ले होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है,
द सेम ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज इन ट्रांसमिट एंड रिसीवर. कभी कभी एक ही ट्रांसड्यूसर को ट्रांसमिट भी करवाते हैं और रिसीव भी करवाते हैं. जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है. ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है. ये चैप्टर नंबर 3 जो है ना, वो बेसिक है. आप सोचेंगे ये सब तो पता ही है हमको, इसके लिए क्यों? भाई आपको इसके लिए पता है क्योंकि आपको मेनू सेटिंग समझाया गया है. आपको इसके लिए पता है क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया है. इसके लिए बाकी जो यूट्यूब वाले हैं उसको तो ये पता नहीं है. इसके लिए मैं थोड़ा और डेप्थ से जा रहा हूँ. ठीक है, तो ऐसा गलत नहीं समझने का. पॉलिसी को है यहाँ पे घुसाया, यहाँ पे ऐसे ऐसे किया और यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी आया. डिसकंटिन्यूटी से ये भाई साहब रिटर्न हुए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है. तो पहला तो क्या है, इनिशियली को है ना, इनिशियली को वो फिक्स है, उसका माइंड आपको फिक्स करना है. ओके, ये कौन सा है, इको बैक सरफेस इको है. कैसा है, बैक सरफेस इको. देखो ये जो है वो ये इको है, समझ में आया, बैक सरफेस इको है. ओके, ये जो है, ये जो इको है वो ये डिस्कंटिन्यूटी का इको है. हम लोग क्या करेंगे, गेट को वहां पे लेके जाएंगे और जैसे ही गेट को वहां पे लेके जाएंगे तुरंत हमें पता चल जाएगा कि वो कहां से आया है. समझ में आया, कच्चा चिट्टा ईडी. इसके इसके पीछे हमको किसको घुसाना है, ईडी और सीबीआई को. ठीक है, हमारा ईडी और सीबीआई कौन है, गेट सिस्टम, गेट सिस्टम. ठीक है, ओके. अभी थ्रू ट्रांसमिशन आर रिक्वायर्ड, देयर आर टू ट्रांसड्यूसर एंड वन इज सेंडिंग एंड अदर इज रिसीवर. एक को सेंडिंग के लिए घुसाना है, एक को रिसीव के लिए घुसाना है. आइदर शॉर्ट पल्स और कंटिन्यूस वेव आर ट्रांसमिटेड इन द मटेरियल. अगर शॉर्ट टर्म डालना है तो PRR कम करना है, लो करना है, वो सब चीज आगे आएगा तो मैं इसी चैप्टर में तुम्हें समझाएगा. लेकिन इसमें ये भी होता है, शॉर्ट पल्स या तो कंटिन्यूस वेव डालना है तो उसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा. द क्वालिटी ऑफ मटेरियल बीइंग टेस्टेड मेजर इन टर्म ऑफ एनर्जी लॉस इज साउंड ऑफ द साउंड बीम एज अ ट्रैवल. तो ये एक एनर्जी लॉस भी होता है ना. मैं आपको ये बोलूं कि 100 रुपया में यहां से दे रहा हूं, 1 रुपया दे रहा हूं और 10 पैसा ही पहुंच रहा है, इसका मतलब 90 पैसे का लॉस हो रहा है. कितने पैसे का, 90 पैसे का. तो ये एनर्जी का सिस्टम आएगा. वो एक मैंने चैप्टर नंबर 2 में ही आपको समझाया था एकोस्टिक इंपीडेंस के बारे में, याद है, वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, उसको बोलते हैं एकोस्टिक. समझाया था कि नहीं समझाया था, वो टेबल दिया था, एयर का वेलोसिटी कितना, डेंसिटी कितना, ग्रीस का वेलोसिटी, ऑयल का, वाटर का, एल्यूमिनियम का, स्टील का, वेलोसिटी एंड डेंसिटी. तो ये जो है एकोस्टिक इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू वी इनटू रो, मतलब डेंसिटी. तो ये जो है हम लोग जेड को इसके लिए नॉमिनेट करते हैं कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है. वो जो 90 पैसा गया, वो तो मैं बोल दिया कि 1 रुपया डाला और 10 पैसा ही गया है ना. 1 रुपया यहां से डाला तो हम राजीव गांधी ने तो बोल दिया कि 1 रुपया डाला और गरीब के पास 10 पैसा ही गया, एक अलग मैटर है. लेकिन वो पता कैसे चलेगा कितना डाल रहे हैं और कितना रिसीव हो रहा है, यहाँ पे कितना एनर्जी घुसा रहा है और कितना एनर्जी अंदर जा रहा है और कितना एनर्जी लॉस जा रहा है, उसका कैसे पता चलेगा? तो एकोस्टिक इंपीडेंस का एक कैलकुलेशन आएगा, तो उसमें मैं आपको समझाएगा. वो चैप्टर भी मैं आपको बोल देता हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है वो चैप्टर. एटेन्यूएशन, क्या लिखा है, एटेन्यूएशन मतलब एनर्जी लॉस. तो वो जो एटेन्यूएशन का ये चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब में है, देख लेने का कि एनर्जी कितना हम घुसाएंगे यहां से तो कितना अंदर जाएगा और कितना लॉस होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी क्या होगा, थ्रू ट्रांसमिशन आर रिक्वायर्ड इन टू, तो आ गया राइट. अभी यहां पे 2 टाइप के टेस्टिंग मेथड है. कितने टाइप के मेथड है, 2 टाइप के. तो ये आज ही मैंने, मेरे को कोई यूट्यूब में मैसेज डाला था और पूछा था कि भाई ये कौन सा सिस्टम है. तो ये जो है इसमें ये प्लेट है, क्या है, इसके अंदर क्या भरा है, वाटर भरा है, देख रहे हैं ना, चमक रहा है ना, मस्त चका जा, ये पानी भरा है. अभी क्या होगा, ये जो है ये प्रोब है, क्या है, प्रोब है, वो पानी के ऊपर ही ऐसे चलेगा, वो टच नहीं होगा, वो पानी के ऊपर ही ऐसे ऐसे चलेगा और प्लेट अंदर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये अंदर है प्लेट, इसके ऊपर पानी भरा है, तो ऐसे ऐसे चलेगा, उसको प्रोग्रामिंग किया गया होगा. ऐसे ऐसे हम हाथ से भी चला सकते हैं अगर चलाना है तो, वैसे प्रोग्रामिंग है. और जैसे ही ऐसे ऐसे करेगा तुरंत प्लेट के अंदर कोई कांड है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसकंटिन्यूटी है, तुरंत पता चल जाएगा. ठीक है, इसको इमर्सन टेस्टिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं,
कुछ मटेरियल ऐसे छोटे छोटे पार्ट इतने सारे हैं, बहुत कंफ्यूजन है, हमको इमर्शन टेस्टिंग करना है तो ये कर सकते हैं। उसमें कपलान के तौर पे किसका यूज होता है? पानी का यूज होता है। अभी ये मैं ये जो अभी दिखा रहा हूँ वो किसका है? कॉन्टेक्ट टेस्टिंग। क्या है? डायरेक्टली मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ ये प्रोब का और हमारा जो मटेरियल का है सेटअप। इसमें कपलान के तौर पे कौन है? वाटर भी हो सकता है, या तो ग्रीस है या ऑयल है, जो भी आपके हिसाब से कपलान आपको जो चाहिए वैसा कपलान ले सकते हैं। आजकल तो कपलान भी पाउडर फॉर्म में भी आता है, पाउडर पर इसमें पानी डालो और ऐसा घुलमिल दो, हर सफेद बाल काला बना लो, जैसा है ना वो एक एडवर्टाइज है कि नहीं है, काटो खोलो और लगा लो हर सफेद बाल काला बना लो, है ना, ऐसा एक एडवर्टाइज। ऐसा ही भी एक कपलान आता है मार्केट में, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने अपना दुकान चलाने के लिए बहुत सारे ऐसे कपलान बनाए हुए हैं। आपको डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कपलान चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं वो गाड़ी में डालने वाला है, ठीक है। और ये जो गाड़ी में जल गया है ना, जो हमारा टू व्हीलर जल गया है ना, वही ऑयल है, ठीक है, जला हुआ ऑयल है ना, यहाँ कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। तो ओके, ये बात याद रखना है, जो भी कपलांट यूज करो आपके मटेरियल के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कपलांट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे केरोसिन यूज नहीं करना और आप केरोसिन डालेंगे और जल जाएगा। केरोसिन को कपलांट के तौर पे यूज कर लो, है ना, तो लोचा होगा। पानी को कपलांट के तौर पे यूज करो और पानी स्टेनलेस स्टील है या तो फिर डुप्लेक्स है उसके ऊपर पानी कचरा पानी डालो और फिर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा ना हो। ऐसा कपलांट यूज करने का कि मटेरियल के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट ना हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? एक टेस्टिंग ये मेरे हाथ में क्या है, IIW V1 ब्लॉक है या तो V2 ब्लॉक है। यहाँ पे भी अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो ये ब्लॉक है ना यहाँ पे लिखा है ना IIW V1 ब्लॉक, ये दिख रहा है IIW V1 ब्लॉक, ठीक है। ये V1 ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो IIW V2 ब्लॉक है। देखो दोनों ब्लॉक को रखा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ब्लॉक आप यूज करो, मतलब एक कौन सा टेस्टिंग है? कॉन्टेक्ट टेस्टिंग है। कोई भी मटेरियल के अंदर हमको यूटी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक प्लेट है, क्या है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट के अंदर मुझे यूटी करना है, क्या करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करवाना पड़ेगा। एंगल प्रोब हो या जो भी प्रोब हो उससे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, ऐसा कॉन्टेक्ट करवा के ऐसे ऐसे खींचना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्टेक्ट टेस्टिंग, इसी को कॉन्टेक्ट टेस्टिंग। और सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं मार्केट में? कॉन्टेक्ट टेस्टिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी आई थिंक मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी, अभी हमको उसका लोकेशन पता करना है। क्या पता करना है? लोकेशन पता करना है टेस्ट पार्ट के अंदर ही, और सीआरटी स्क्रीन के हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्ले है इनटू द कन्वर्टेड इंक्रीमेंट सच एज सेंटीमीटर और इंचेस। ओके, अभी सेंटीमीटर और इंचेस में मेजर कर सकते हैं, वो सब चीज में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक करके आएगा, देखो मैं अभी ये चेंज कर रहा हूं, ठीक है, यूनिट क्या लिखा है, ये किस में है, मैट्रिक्स में, ठीक है। अभी देखो मैं IIW V2 ब्लॉक के ऊपर इसको घुसा रहा हूं, एक क्यों गैन इतना बढ़ गया, अभी देखो एक गैन कम कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो ये 12.5 पे है, अभी यहां पे ये 12.5 mm पे है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका यूनिट चेंज कर दे, उसको इंचेस में चाहिए, तो देखो ये थिकनेस इंचेस में आ गया, ठीक है, INCHES आया लिखा हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अभी देखो ये इंचेस में आ गया, ठीक है, वो mm में करना है तो ये mm में आ गया। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या लिखा है, डिटरमाइन द लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी, अभी डिसकंटिन्यूटी को लोकेशन हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट सर्किट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? गेट सर्किट का। तो इसमें जो गेट सर्किट है मैं आपको दिखा देता हूं, गेट सर्किट कहां पे है, तो मेनू नंबर टू में ये देखो, ये गेट सर्किट है, क्या है, गेट सर्किट है, ये स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब ये जो गेट को इस साइड लेके आना है या इस साइड लेके आना है, वो यहाँ पे स्टार्ट बटन है उससे करना है। देखो दिख रहा है आपको, अभी देखो ये कहां से आ रहा है वो पता, पहले क्या था, ये कहां से आ रहा था वो पता करना था, इसके लिए गेट को इसके ऊपर लेके गए,
है ना, गेट को इसके ऊपर लेके गए तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी ने सीबीआई ने इसका जांच कर लिया, है ना, समझ में आया। एक गेट जो है वो सबकी जांच करेगा कहां पे क्या क्या है वो। अभी देखो इसको मैं यहां पे लेके जा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है, ये तो यहाँ पे टच नहीं हुआ, तो ये जो गेट है ओ चाचा यहाँ पे ध्यान रखो मिर्जापुर वाले चाचा, यहाँ पे देखो हंसा दिया भाई, यहाँ पे ये जो गेट है, ये जो गेट है इसको भी क्या करना है नीचे लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी टच नहीं है, कुछ घंटा दिखा नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेवल है उसका नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेवल का स्विच है उससे हम लोग, ये ऊपर जा रहा है देखा, ये नीचे आ रहा है, देखो ये टच हो गया, जैसे ही टच हुआ यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गेट सर्किट है वो उसको आगे पीछे ले जाने के लिए स्टार्ट बटन है, वो यहाँ पे बटन दिया गया है, उसके बाद एंड जो है, एंड क्या है वो गेट को छोटा और मोटा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो एंड है अभी देखो ये छोटा हो रहा है, देखा यहाँ पे भी छोटा हो रहा है, देखा इतना सा हो गया, बड़ा करना है तो ये बड़ा हो जाएगा, देखा आपने, तो ये छोटा बड़ा करने के लिए वो एंड है। ये जो लेवल है मेरे भाई, लेवल है वो ऊपर नीचे करने का है, तो एक गेट सर्किट है, जिसके भी ऊपर लेके जाओगे उसका पूरा कुंडली निकालेगा, समझ में आया ऐसा। ओके आगे बढ़ते हो चाचा, यहाँ पे गिवन सेंसिटिविटी गेन सेटिंग एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द पीप इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल एंड जनरेटेड बाय द रिफ्लेक्शन साउंड वेव। कितना रिफ्लेक्शन साउंड वेव जितना ज्यादा होगा उतना, जितना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा पीक बताएगा, जितना रिफ्लेक्शन कम होगा वो कम दिखाएगा। वो मैंने दिखाया ना, एक डिसकंटिन्यूटी था यहाँ पे, एक डिसकंटिन्यूटी दिखाया था कि नहीं दिखाया था, यहाँ पे कहाँ गया ये डिसकंटिन्यूटी, हाँ सबसे ज्यादा उसमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसी की वजह से वो कितना है बड़ा दिखाया, यहाँ पे बैक सरफेस जो है वहां पे कितना है छोटा दिखाया, क्यों, क्योंकि एक ही रेज वहां पे जा रहा है, बाकी एक नहीं जा रहा होगा, ये तो बहुत सारे जाते हैं, मैं तो खाली एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया, ठीक है। ओके दस, द सीआरटी डिस्प्ले टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, ये जो सीआरटी स्क्रीन है दो टाइप का इंफॉर्मेशन देता है, पहला है डिस्टेंस मतलब टाइम, आप समझ लो या तो डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस से आया है वो, ठीक है, कितना डिस्टेंस से आया है वो इंफॉर्मेशन देता है वो डिसकंटिन्यूटी। दूसरा वो रिलेटिवली मैग्नीट्यूड रिफ्लेक्शन एनर्जी, कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, जितना ज्यादा हाइट वाला होगा वह ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना कम रिफ्लेक्शन होगा उसका कम हाइट होगा, समझ में आया, जितना डेप्थ ज्यादा होगा तो उतना दूर तक जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो सीआरटी स्क्रीन के ये जो नीचे वाला सिस्टम है वो क्या है, वो क्या है डिस्टेंस है भाई, छोड़ने का नहीं हो चाचा, सोने का नहीं। फोकस एंड एस्टिमेशन कंट्रोल एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ द डिस्प्ले सिग्नल एंड सेंसिटिविटी एंड गेन कंट्रोल। ओके गेन कंट्रोल आया, गेन कंट्रोल, तो देखो यहाँ पे गेन कंट्रोल का भी सिस्टम है। जो लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है मेनू सेटिंग वाला, उसको मेनू सेटिंग कर लेना है। अभी देखो गेन कंट्रोल के सिल्वर टाइप का, कौन सा कलर का है, सिल्वर है क्या, ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का स्विच है, वो स्विच देखो ये किसका है, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, गेन का स्विच है, ठीक है, गेन का स्विच है। ये जो है नीचे वाला ये हॉट की है ना, अमिताभ बच्चन वाला की है ना, हॉट की, इसके ऊपर है अभिषेक बच्चन वाला, ठीक है, स्टेप डीपी, ये तो जस्ट बोल रहा हूँ, बाकी आपको तो मैंने ऑलरेडी मेनू सेटिंग में ये बात समझाया हुआ है, ठीक है। ये डीपी है, इसमें देखो कुछ दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, गेन इंक्रीज, ये सेंसिटिविटी अगर आपको पता करना है तो ये आपको काम का है। अगर आपको ज्यादा एनर्जी घुसाओगे, एक रुपया मैं डालता हूं तो कितना पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, लेकिन 1 करोड़ डालो तो ज्यादा पहुंचेगा ना, है ना, तो यही बात है ना, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से 1 करोड़ वेस्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है, यही बात है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी गेन इंक्रीज करना है और पीप्ड सीआरटी स्क्रीन के ऊपर इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग करना है तो डिक्रीज। ओके स्वीप लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे स्वीप लेंथ है लेकिन इसमें क्या है, जीरो है, कौन सा है, जीरो है। स्वीप लेंथ से क्या करेंगे और स्वीप डिले से क्या करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। स्वीप लेंथ जो है, स्वीप लेंथ, तो पहले मैं डिस्प्ले को लेके आता हूँ, डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले है, अभी एक गेट को पहले मैं थोड़ा आगे लेके आता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो अभी
ये धीरे धीरे चल रहा है, तो अभी मैं हॉट की भी दबा देगा तो फास्ट भागेगा, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, इसको मुझे आगे लेके जाना है, ये स्वीप लेंथ, ये क्या है? स्वीप लेंथ है, क्या है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जीरो। अभी क्या करेंगे, ये जो है इसको आगे या पीछे लेके जाना है, तो वो जो है हम लोग यहां से कर सकते हैं। देखो गया आगे, यहाँ पे डायमेंशन भी चेंज हो रहा है, देखा आपने? देखो अभी ये धीरे धीरे करने से अच्छा है, हॉट की दबाओ, हॉट की बराबर नहीं दबा है, देखो देखा ये मूवमेंट हुआ। अभी देखो इसको इस साइड लेके आना है, तो देखो इस साइड, ये स्वीप लेंथ का मतलब ये होता है कि भाई वो इसको इस साइड लेके आता। अभी हमें कितना कहां तक चाहिए, ठीक है, अभी इसको गेन थोड़ा कम करना है ना, ठीक है, 12.5 पे ही रखते हैं, ठीक है। अभी ये स्वीप लेंथ का आपको पता चल गया, अभी स्वीप डिले की बात है, डिले का ऑप्शन आपको नहीं बताया था, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे IIW कौन सा ब्लॉक है? V1 ब्लॉक है, ठीक है। अभी यहां से मैं इसको ऐसे मारेगा तो हमको डिस्प्ले में कुछ ना कुछ दिखाएगा, गेन बढ़ाओ भाई, गेन बढ़ाओ, आप आ जाओ गेन बढ़ाओ। अभी देखो स्वीप डिले कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ओके गेट को थोड़ा पीछे लो, इतना भी नहीं, इसके ऊपर लेके आओ, हाँ कितना है ये, कहां से आ रहा है? 34.4, मतलब ये कहां से आया होगा, ये जो वॉल है, ये वॉल उसको अगर आप मेजर करेंगे ये 34 पे ही है, देखो देखा वो वहां से ही होगा, ये वहां से आ रहा है, ठीक है। ओके अभी ये जो है रेंज थोड़ा चेंज करो, अभी मैं डिले ऑप्शन कैसे यूज करना है वो मैं बोलता हूं। ये जो है ना लेंथ, वो फॉर एग्जांपल मेजर कर लेते हैं कितना है, वो खींचो तो इतना सारा नहीं, रुको बस, ये कितना है, ये 200 है, ठीक है, ये 200 है, ये 200 रेंज है, ठीक है। अभी देखो मैं रेंज कितना कर दिया, 200 कर दिया। अभी ये कहां से आ रहा था, ये जो पहला वाला इको है वो 34 से आ रहा था। अभी मैं डिले ऑप्शन यूज करता हूँ, डिले ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ, पहले 100 mm ही मेरे को देखना है, तो क्या करना है, रेंज को और डिले जो है उसको पहले तो रेंज 100 mm कर दो और डिले 100 करो, तो ये 100 mm देख लिया, ठीक है, 100 mm से जो आया है वो। अभी डिले और 100 कर देंगे, वहां पे देखो डिले 100 कर दिया, तो डिले 100 कर दिया, तो लास्ट इको कहां से आ रहा है, 200 से आ रहा है, क्यों, यहां से आ रहा है, यहां से, मतलब ये 100 अभी हमको नहीं देखना है। पहले क्या किया हमने, रेंज को 100 किया, रेंज को 100 किया, ये कितना है टोटल 200 है, हमने रेंज 100 किया, मतलब इतना ही देखना है हमें, है ना, तो इतना हमने देख लिया। फिर मैं क्या करेगा, डिले को 100 करेगा, तो अभी मुझे यहां से इतने इको ही दिखाएंगे, ये जो इको है वो नहीं दिखाएंगे, इतना इको नहीं दिखाएगा, यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी दिखा रहा है, देखो 34 में 35 में था ना डिस्कंटिन्यूटी, वो दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इतना जो है वो डिस्प्ले के आगे चला गया है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल ये तो 200 mm है, जनरली आपको 3-3 meter, 2-2 meter का जब यूटी करना है, या तो 300-400 या 500 mm का यूटी करना है, 500 mm का यूटी करना है, तो ये स्क्रीन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो रिजोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम, सब लोग चू ऐसा 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 नजदीक नजदीक में जाएंगे, है ना, तो इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझ लो ये 500 mm का है, फॉर एग्जाम्पल ये तो है नहीं, ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा समझ लो ये 500 mm का है, तो हम लोग यहां से ऐसा ऐसा उसको करेंगे, तो हम लोगों को 500 का 500 मिलना बहुत मुश्किल, कहां से इको छटक जाएगा पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंज 100 करेंगे, और 100
100 रेंट बढ़ाते जाएंगे, पहले 100 का देख लेंगे, फिर वापस 100 करेंगे, मतलब फिर वापस करेंगे, फिर वापस करेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे ना तो पूरा का पूरा चेक हो जाएगा। रेस फेंक रहा है, रेस सब जगह आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है, ये जो है ना वो आगे चला जा रहा है, इसी की वजह से डिले का यूज होता है। नहीं समझ में आया तो खली भली, लेकिन आपको समझ में अभी आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो है, ये मैं समझा दिया स्वीप लेंथ का क्या काम है, वो आगे पीछे करने के लिए, स्वीप डिले का क्या काम है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों को इतना ही देखना है, तो यहाँ पे डिले जो है वो कर देना है उसके हिसाब से सेटअप, फिर इतना देखना है, फिर इतना देखना है, फिर इतना देखना है, जितना देखना है, जितना लंबा है उसके हिसाब से हमको डिले करना है। पहले क्या करेगा, इको इतना ही हमको दिखाएगा डिस्प्ले के अंदर, अगर डिले इतना कर दिया है तो, फिर अगर डिले इतना हमने किया है या 100 mm किया है तो 100 के ऊपर का इतना ही इको हमको ये डिस्प्ले में दिखाएगा, फिर 100 करेंगे इतना का इको दिखाएगा, फिर 100 करेंगे इतने का। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी है, पहले हमने नोट कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है। अभी क्या होगा, इतना इको के लिए ये पूरा डिस्प्ले आ गया, फिर इतने इको के लिए डिले बढ़ाते जाएंगे, इतने इको के लिए ये, इतने इको के लिए ये, तो ऐसा करते करते हमें क्या होगा, एक अच्छा सा पोर्शन वाइज हमको चेक करने को मिलेगा, कोई डिसकंटिन्यूटी चिपक नहीं सकता, मतलब छूट नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल ये 500 ये 40 फीट का है फॉर एग्जांपल, तो आपको रेंज कितना रखना पड़ेगा, 40 फीट रखना पड़ेगा, फिर आप ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे ना कोई छोटा सा इको ऐसा करके निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा नहीं चलेगा, इसी की वजह से डिले का यूज होता है। समझ में आया, और नहीं भी आया है तो एक बार प्रैक्टिकल समझ लेने का तो ऑटोमेटिकली सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पल्स रिपीटेशन रेट, तो पल्स रिपीटेशन रेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स रिपीटेशन रेट मतलब इसके अंदर से कितना पल्स अंदर घुस रहा है, कितना अंदर जा रहा है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ठीक है। पल्स रिपीटेशन रेट आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ओके, हाई कब रखना है, लो कब रखना है, तो भाई जब आपका थिकनेस कम है, जब आपका थिकनेस कम है तब पल्स रिपीटेशन रेट आपको हाई रखना चाहिए, जब आपका थिकनेस ज्यादा है तब पल्स रिपीटेशन रेट लो रखना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, जनरली 50 से 1200 के बीच में पल्स रिपीटेशन रेट होता है। पल्स रिपीटेशन रेट मतलब ये एनर्जी कितना अंदर जा रहा है, पल्स इसके अंदर कितना अप एंड डाउन हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। ओके, इसके बाद रिजेक्शन कंट्रोल। रिजेक्शन कंट्रोल है तो मैं उसको वापस समझाता हूं। ये जो है यहाँ पे, ये देखो बहुत सारे कचरा कचरा आ रहा है ना, ये इतना सारा हमको काम का है नहीं है, तो ये जो रिजेक्शन मैं क्या करेगा, ये है ना वो 0% है, ये क्या है 0%, ये जो है वो 10%, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 का है, ठीक है। और ऐसे रेंज कितना है एक्चुअली देखा जाए तो 50 है, सॉरी ऐसा कापा जो है वो 50 उसके डिवीजन है, क्या है 50 डिवीजन है ये ऐसा। अभी मैं रिजेक्शन क्या करेगा, बढ़ा देगा, समझो 10% करेगा ना, तो इसके नीचे जो भी है ना वो दिखना बंद हो जाएगा। अगर 20% करेगा ना तो इसके नीचे जितना भी इको है वो बंद हो जाएगा, और 30% करेगा तो इसके नीचे। चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे रिजेक्शन है, ये देखा रिजेक्शन में, अभी देखने का मैं बढ़ा दे जा रहा हूँ, 10, 20 देखा ये क्या हो गया, देखा आप, लेकिन ओरिजिनल इको भी चले जाएंगे। देखो मैं 100% कर दूं तो पूरा का पूरा चला जाएगा। समझ में आया, ये तो डिफॉल्ट इको होगा नहीं, गेन ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। अभी देखो गेन को थोड़ा और कम करते हैं, ये तो बढ़ रहा है भैया, ये क्या बहुत सारा होगा इसके लिए ये सब चीज हो रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं पहले तो रेंज सेट कर देता हूं, डिले 0 कर देता हूं, वॉट की दबाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, रिजेक्शन को यहां से अभी मैं रिजेक्शन देखो बढ़ा रहा हूं, अभी ये देखो मैं रिजेक्शन अभी बढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो 10, 11, 12 निकल गया, ये ओरिजिनल इको भी यहां से निकल गया, देखो है ना,
तो रिजेक्शन कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि रिजेक्शन रखना है, कुछ कुछ क्लाइंट ऐसा बोलता है रिजेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको आपका प्रोसीजर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। अभी तो मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे ज्यादा और कुछ चैप्टर में बचा नहीं है, अभी चैप्टर खत्म हो रहा है। रिजेक्शन कंट्रोल भी बोल सकते हैं, या तो उसको सस्पेंशन कंट्रोल बोल सकते हैं, और गेटिंग सर्किट के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ये जो गेट है वो सीबीआई और ईडी का काम करेगा, ठीक है ना, सबका कच्चा चिट्ठा खोलेगा, वो कहां से आ रहा है, कितने डेप्थ से आ रहा है, कितना एम्पलीट्यूड है, सब चीज दिखाएगा, कितना परसेंट आ रही, वो सब चीज यहाँ पे गेट सर्किट है वो दिखाएगा। तो ये भी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे लास्ट जो बच गया है वो डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पीप विथ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन साइज डिक्रीज और डेप्थ इंक्रीज। अभी कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन में, ऐसा होता है डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक मटीरियल है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो यहां से मैं ऐसे ऐसे करेगा प्रोब को, जब इसको मैं प्रोब को यहाँ पे ऐसे करके करेगा तो ये ज्यादा दिखाएगा ना, नजदीक है इसके लिए, डेप्थ में भी है ना, और ये फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे इतना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, लेकिन बहुत डेप्थ में है। तो ये सब चीज का करेक्शन करना पड़ेगा, डिस्टेंस कहां से आया, कौन कितने डिस्टेंस से आया है, उसका करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये डीएसी जो है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, तो वो आप कर लीजिए। यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। यूट्यूब में डीएसी कैसे बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, क्यों डीएसी बनाना है उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बराबर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर को आज या कल में यूट्यूब में डाल देगा, ताकि आप लोग सब लोग एंजॉय कर सको और स्किल इंडिया का पूरा लाभ ले सको। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।